दोस्तों बहुत पहले एक मूवी आई थी अखियों के झरोखों से, उसमें सचिन और रंजीता थे और उसमें कुछ दोहे जो थे वो गाए गए थे, जसपाल सिंह ने गाए थे और उनके साथ भी एक आवाज़ थी। मैं यहाँ ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ दोहों पर बात करनी है। एक्चुअली दोहों पर बात नहीं करनी है बल्कि किसी दोहाकार यानी कि दोहे के रचनाकार, दोहों के रचनाकार की बात कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ ये अभी बताऊँगा। तो उसमें बहुत सारे दोहे थे, रहीम के भी दोहे थे और रहीम की बात चली तो मुझे रहीम के कुछ दोहे याद आ रहे हैं, जैसे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवै सुई कहा करे तलवार। ये रहीम के दोहे हैं। रहीम को कुछ लोग रहीम दास भी कहते हैं लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि ये रहीम जो हैं ये वही रहीम हैं जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। जी हाँ, अकबर के ज़माने में थे ये और अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना। इनका नाम हिंदी की कई किताबों में खान खाना लिखा हुआ मिलता है, खान खाना, और कहीं कहीं खाने खाना भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि आज मुझे कोरा पर मिला। कोरा पर किसी ने सवाल पूछा था कि रहीम को खाने खाना क्यों कहा जाता है। खाने खाना, देखिए अजीब सी बात है, खाने खाना से लगता है कि ये खाने पीने की कोई बात हो रही है, फूड की बात हो रही है, ईटिंग की बात हो रही है। तो जिन साहब ने कोरा पर यह सवाल पूछा था मैंने उनको कुछ तफसील दी, कुछ बताया, लेकिन उससे ज़्यादा यानी उस तफसील से ज़्यादा तफसील मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। अब्दुल रहीम खान खाना सही नाम है उनका, असल में अब्दुल रहीम तो उनका नाम था और खान खाना उनकी उपाधि थी, उनका लकब था, उनका टाइटल था जो कि उनको दिया गया था। खान खाना, खान खाना नहीं बल्कि खान खाना, उर्दू में नून के नीचे ज़ेर लग जाएगा और हिंदी में मजबूरी है क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं ज़ेर वगैरह जैसी, तो खान ए खाना भी लिखा जाता है और खान खाना भी लिखा जाता है। अब इस खान खाना का मतलब समझिए, ये खान खाना या खाने खाना नहीं है जैसा कि मैंने पहले बताया, खान खाना है। खान किसे कहते हैं पहले तो ये जानिए। वैसे खान सरनेम होता है, शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे खान हैं, लेकिन खान शब्द का अर्थ वैसे मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। खान दरअसल फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है लॉर्ड, प्रिंस, और ये एक टाइटल होता था पठान लोगों में खान। आजकल जिन लोगों का नाम या सरनेम कहें खान है उनमें से अफसोस की बात है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने इस उपनाम का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। आप तो ऐसे नहीं है ना, अगर आपका नाम कुछ ऐसा है जिसमें खान शब्द आता है तो आप खान तो नहीं कहते हैं ना। अगर कोई कहता है तो उसको समझाइए कि भाई खान नहीं, खान खान। यार अगर हम अपना नाम ही ठीक से नहीं ले सकते तो ये सोचने का विषय है यार, ठीक है ना। तो अगर आपके नाम में खान आता है या आपके किसी दोस्त के नाम में या किसी और के नाम में खान आता है तो उनको बताइए कि भाई खान नहीं, खान। आप खान हैं तो खान बोलिए, खान नहीं, क्योंकि खान तो कोयले की होती है, सोने की होती है और भी कई चीज़ों की होती है, और आप खान नहीं हैं, खान हैं, खान। तो जैसा कि मैंने बताया खान का अर्थ है लॉर्ड, प्रिंस, और ये टाइटल भी है। इसके अलावा सरदार भी एक इसका अर्थ है, एक व्याख्या है इसकी, और अमीर भी कह सकते हैं। अमीर का मतलब भी सरदार होता है वैसे, मतलब मुखिया, लीडर कह सकते हैं आप, खान। तो खान खाना का मतलब क्या हुआ, खान का अर्थ क्लियर कर दिया मैंने, अब खाना की बात करिए। खाना, खाना दरअसल बहुवचन है खान का, यानी एक खान है तो उसे खान कहेंगे और एक से ज़्यादा है तो खाना कहेंगे, खाना, ठीक है, खाना। खा हिंदी में लिखेंगे तो ख के नीचे बिंदु और आ का डंडा या आ की मात्रा, न और आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु। तो खाने खाना का मतलब हुआ सरदारों का सरदार, अमीरों का अमीर, खानों का खान। असल में मुगलों के ज़माने में सेनापतियों को ये उपाधि अक्सर दी जाती थी, तो बैरम खां के जो बेटे थे अब्दुल रहीम खां उनकी भी ये उपाधि थी, खान खाना उनको कहा गया था बादशाह की तरफ से, उनको ये लकब, ये टाइटल, ये उपाधि दी गई थी खान खाना, यानी खानों के खान, सरदारों के सरदार, अमीरों के अमीर, बड़ी इज्जत की उपाधि थी ये। तो मुझे यकीन है कि आज आपको खान खाना के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। कुछ और पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए साहब, लेकिन माय हिंदी माय उर्दू से अपनी मोहब्बतें बनाए रखिए और देखते रहिए इस चैनल को बार बार,
लगातार शुरू से लेकर पहले एपिसोड से शुरू कर दीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो सारे देख डालिए, 300 से ज़्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं, खुद भी देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। लेकिन फ़िलहाल मुझे यानी मोइन शमसी को इजाज़त दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।